वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी जद पाटलिपुत्र जाते ने यानी कि पटना साहिब, तो भाई मरदाना जी आखते हैं सतगुरु जी भुख बहुत लगी है, तो गुरु साहिब जी आखते हैं अगे वसदी आ रही है उथे मिष्ठान पकवान बहुत मिलेगा, तो भाई मरदाना जी आखते हैं पातशाह जी पर साढ़े को खरीदन वास्ते कुछ भी नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी ने अपने चरण रेत वाले पासे लगाए ता रेत दे थल्यो चमकदा होया लाल लब पिया, ता गुरु नानक पातशाह जी ने चुक के आख्या लै भाई मरदानिया इस नू वेच के अपने प्रशादे पानी दा प्रबंध कर लै। भाई मरदाना जी उस लाल नू लेके हलवाई पास जांदे हन, ता अगों हलवाई आखदा ए वट्टा साडे किस काम दा, ए ता तोलण दे काम भी नहीं आउणा, जेकर तेनू मिठाई चाहिदी है तू उस तरह ही लै जा। इसे तरह भाई मरदाना जी कपड़े वाले कोल जांदे ने, सब्जी वाले कोल जांदे ने, ते किसे आख्या तुसी इंज करो अगे जोरी दा महल्ला है, तुसी जोरी दे महल्ले जाओ ते इस लाल नू उथे दे आओ, ए ता काफी कीमती लगदा है। ता भाई मरदाना जी जोरी कोल जांदे ने जिस दा नाम सालस राय जोरी सी, जिस दा नौकर अदरका सी। भाई मरदाना जी ने लाल कढ के दिता ते अदरका अंदर लैके जांदा है ते जा सालस राय जोहरी जी नूं दिखाउंदा है। सालस राय जोहरी जी बाहर नहीं आए, उन्हां अदरके नूं कहा इस लाल नूं वापस दे दे ते नाल इस दे 100 रुपया भी दे दे। ता आखदे ने उस नूं कहो साडे कोल इन्ने पैसे नहीं भी असी इस लाल नूं खरीद सकीए, ए तां सारी जायदाद वेच के भी नहीं खरीदिया जाणा, जेकर नीयत रास होवे तां बाबा उस घर नूं भी भाग लगा देंदा है। इतना ईमानदार बंदा जिसने कह दिता नहीं नहीं इस दी कीमत नहीं पाई जा सकती, आखदा है साडे जोरियां दा असूल है अजिहे लाल नूं वेखण दा भी असी 100 रुपया दिंदे आ। अदरका जांदा है ते भाई मरदाना जी नूं आखदा है तुसी इस लाल नूं वापस लै जाओ ते नाल ही इह 100 रुपया वी। मरदाना जी वापस चले जांदे हन ते अगों पातशाह जी देख के हस पैंदे ने। भाई मरदाना जी आखते हैं पातशाह जी पता नहीं की गल है, किते ता इस लाल दी कीमत मिठाइयां पैंदी है ते किसे ने दो गज लट्ठा भाव कपड़ा पाया ते इक ने ता सतगुरु जी इस नूं वेखण दा ही 100 रुपया दे दिता है। ते सतगुरु जी हस के आखते हैं भाई मरदाना जी तैं पुछिया सी ना कोई शब्द सुनदे ने ता प्यार करदे ने ते कोई शब्द सुनदे ने ता वट्टे मारदे ने, बस यही गल है जिन्हां नूं लाल दी कदर नहीं है ना ओ कीमत नहीं पा सकदे, जिन्हां नूं लाल दी कदर है ओ तां वेखण दा ही 100 रुपया दे दिंदे ने। भाई मरदानिया संसार तां इसे तरह ही चली जांदा है। भाई मरदाना जी आखदे हन सत, अगो पातशाह जी आखदे हन भाई मरदानिया ए साडे केस काम इस नूं वापस उसे जोहरी नूं दिओ। भाई मरदाना जी जद जांदे हन ते सालस राय जोहरी जी आखदे हन साडा असूल है इस नूं तुसी वापस लै जाओ। इसे तरह भाई मरदाना जी तीन वार सालस राय कोल जांदे हन ते मुड़ के वापस आ जांदे हन। तीजी वारी जद पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं वापस भेजदे ने ते मरदाना जी आखदे हन महाराज रोटी छकाउणी है तां छकाओ, मैं कदी लाल लैके इधर जाना ते कदी लाल लैके उधर जाना। तां पातशाह जी आखदे हन भाई मरदाना जी तुसी जाओ। ता सालस राय जोहरी जी दे नौकर अदरका ने कहा एह तीजी बार आए ने। भाई साहब नूं पुछया तुसी ए कित्थों लैके आयो, भाई साहब आख्या मेरा गुरु नानक पातशाह उस ने दिता, नानक निरंकार दे देश तो आया है। ता पुछदे ने क्यों वेचण आयो, भाई मरदाना जी आखदे हन असी व्यापार करन नहीं आए, मैनूं भुख लगी है, मेरे बाबे नूं भुख नहीं लगदी, ता ए लाल दिता है इस नूं वेच के प्रशादा छक लै। ता सालस राय ने उस वक्त अपने नौकर नूं कहा घर जाओ ते प्रशादा पानी तैयार करवाओ। ता भाई मरदाना जी आखदे हन मैं इत्थे नहीं छकणा, जिथे मेरा मुर्शद बैठा है उथे लै जाओ। ता प्रशादा पानी तैयार करके गुरु नानक पातशाह जी को लेके जाया जांदा है। निमरता साहिब भाई मरदाना जी ते अदरका नौकर मत्था टेकदे हन, ता प्रशादा पानी गुरु नानक पातशाह जी नूं दित्ता जांदा है। गुरु नानक पातशाह जी अपनी रोटी विचों अद्धी रोटी तोड़ के भाई मरदाना जी नूं दिंदे हन ते अद्धी रोटी तोड़ के नौकर अदरके नूं दिंदे हन।
ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਅਦਰਕਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਦਰਕਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਦਰਕੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਰਕਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਦਰਕੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕੱਛ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਇਤਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਦਰਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।